जय हो यमुना मैया की। तो देखा आपने ये नज़ारा प्यारा प्यारा, यह स्थान है उत्तराखंड का जानकी चट्टी, जहाँ से शुरू होती है माँ यमुना के मंदिर, माँ यमुना के धाम यमुनोत्री की यात्रा। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ जानकी चट्टी से, और आज मैं आपको कराऊंगा जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की यात्रा। वैसे तो मैंने आपको ये जो उत्तराखंड के चार धाम हैं उनमें से दो प्रमुख धाम जो हैं केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा करवा दी है, लेकिन ये जो बाकी के दो धाम हैं यमुनोत्री और गंगोत्री, ये बाकी रह गए थे। वैसे मैंने यात्रा कर रखी है लेकिन मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरी यात्रा जो ब्लॉग्स बनाने के दौर से पहले हुई थी। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आ गया हूँ यहाँ पर जानकी चट्टी में, और अब मेरा अधूरा अभियान जो था उसको पूरा करूँगा, यानी कि मैं पूरे करवाऊँगा आपके उत्तराखंड के छोटे चार धामों की यात्रा। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आज मेरे साथ है फिर से मेरा कजन मोहित। कैसा लग रहा है यमुनोत्री धाम की इस यात्रा के लिए आकर? बढ़िया लग रहा है, एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, अब जो बचे हुए धाम थे वो भी पूरे कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ का जानकी चट्टी का पार्किंग एरिया है। शेयरिंग जीप जो होती है उसने हमें लाकर यहीं पर उतारा था। इससे पहले कि हम जानकी चट्टी से यात्रा की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आखिर पहुंचा कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होता है कि आखिर हम यहाँ पहुंचे तो कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश, वहाँ आप आते हैं। उसके बाद में आपको पहुँचना होता है बड़कोट या बरकोट, जिसे बरकोट भी कहते हैं, वहाँ पर। और वहाँ पहुँचने के लिए है दो रास्ते, एक जो आता है मसूरी बाईपास से आता है, और दूसरा जो आता है नरेंद्र नगर टिहरी चंबा होते हुए आता है। दोनों ही रास्ते आके बड़कोट में मिल जाते हैं, और उसके बाद में आप आगे आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, और उसके बाद में जानकी चट्टी। तो इस तरीके से आप पहुंचते हैं जानकी चट्टी के अंदर, और यहां से शुरू होती है लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई वाली माँ यमुना के मंदिर यमुनोत्री धाम की यात्रा। तो ये महीना है जून का, और आज जो तारीख है वो है 26 तारीख। तो 26 तारीख को, 26 जून को इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा है, सूर्य देव निकले हुए हैं। वैसे तो जैसे हमने देखी थी वेदर फोरकास्ट, उसके अंदर थोड़े बहुत बारिश की बूंदें गिरने का अंदेशा था, लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा होगा। लगभग इसके अंदर हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए, क्योंकि शूट करते वक्त थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आपको भी वैसे जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यमुनोत्री की जो चढ़ाई है होने में तो 5 किलोमीटर की है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो थकान होती है। तो ये है यमुनोत्री धाम की यात्रा का पथ, इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे दिखाई दे रहे हैं देखिए आप हिमाच्छादित पर्वत, और ये वाले जो पर्वत हैं ये हैं हरे भरे। तो यात्रा के लिए लाठी ले ली है, ये देखिए मोहित के हाथ में है। मैं फिलहाल हाथों को फ्री रखने के मूड में हूँ, गाड़ियाँ और आगे तक जाती है। वैसे हम लोग शेयरिंग जीप से आए थे बरकोट से, इसलिए हम वहाँ स्टैंड पर उतर गए थे, और जो आप गाड़ी लेके आते हैं तो ऊपर तक जा सकते हैं थोड़ा और। ये देखिए निर्माण कार्य प्रगति पर है, बुजुर्गों के लिए इस तरीके से व्यवस्था है पालकी की। यहाँ पे है माँ यमुना मेडिकल स्टोर, तो अगर आप अपने साथ में दवाइयाँ नहीं लेके आए हैं, सर दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी दवाइयाँ आप ले सकते हैं। ये देखिए खरसाली में स्थित माँ यमुना का मंदिर, जहाँ पे माँ यमुना निवास करती है जब चार धाम यात्रा बंद हो जाती है। जय। और यहीं खरसाली में शनिदेव का मंदिर भी है, जो वहाँ कहीं पर है। तो शनिदेव ही जाते हैं जब यम द्वितीया यानी कि भाई दूज होती है, तब यमुनोत्री धाम के पट बंद होते हैं, तो शनिदेव यहाँ से जाते हैं और यमुनोत्री धाम से अपनी बहना को लेके आते हैं खरसाली में पूरे उत्सव के साथ। ये देखिए काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पर। 8 साल पहले जब मैंने यमुनोत्री की यात्रा की थी तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ बन चुका है, काफ़ी सुविधाएँ बढ़ चुकी हैं। ये है खरसाली पुल, ये देखिए, और अब जाना होगा इस तरफ। जिनको खच्चर पे बैठ के जाना है उनके लिए खच्चरों की व्यवस्था भी है यहाँ पर। ये देखिए
रास्ता कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, सामने है घोड़ा प्रीपेड काउंटर, ये देखिए यहां से दिखाई दे रहा है वो टैक्सी स्टैंड जहां से मैंने की थी ब्लॉग की शुरुआत। इस तरफ आप देख सकते हैं माँ यमुना की बहती धारा को, वहां से बहती हुई आ रही है। छोटे बच्चों के लिए और आपके एक्स्ट्रा बैगेज के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से जो प्रमुख स्थान है उनकी दूरी बताई गई है। यमुनोत्री धाम जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, दिल्ली है 380 किलोमीटर, देहरादून 181, मसूरी 132, ऋषिकेश 217 है, उत्तरकाशी 125, बड़कोट 45 किलोमीटर जहाँ से हम आए हैं, हनुमान चट्टी 10 किलोमीटर, गंगोत्री 220 किलोमीटर। कहने के लिए यह मात्र 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है तो अच्छा खासा जोर आता है, अभी इसे लाइटली मत लीजिएगा। आ पहुंचे हम एक शेड के नीचे, बीच बीच में ऐसे बने हुए हैं क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, बारिश से बचने के लिए ऐसे शेड्स बनाए गए हैं। ये देखिए राइट साइड का नजारा, काफी कुछ बदला हुआ लग रहा है 8 साल बाद यहाँ आने पर। सामने दिखाई दे रहा है पर्यटक आवास गृह जानकी चट्टी, यानी कि टूरिस्ट रेस्ट हाउस ऑफ जानकी चट्टी। तो आप यहाँ भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, GMVN का है यह, गढ़वाल मंडल विकास निगम। ये देखिए ये है कालिंदी मंगल निकेतन धर्मशाला, और ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो भी इस पे लिखे हुए हैं तो आप बात कर सकते हैं पहले। सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे यात्रा करते रहिए, आगे बढ़िए, उसी में यात्रा का असली आनंद है, जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं होता है। ये देखिए बादल बन रहे हैं ऊपर, दूसरा टीन शेड आ चुका है। देखिए बीच में यात्रा की जो यादें हैं वो फोटोज के रूप में लेना भी जरूरी है। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, ये माँ यमुना का जल देखिए आप, जैसे सफेद दूध बह रहा हो बिल्कुल वैसे ही है। ये देखिए चट्टानों पे ये जो काई जमी हुई है उससे अलग ही रूप हो गया है इन चट्टानों का। ये देखिए आगे दादी माँ की उम्र की लेडी जो है वो जा रही हैं, मेरी दादी जी अब नहीं रही हैं लेकिन उन्होंने भी काफ़ी यात्राएं की थी, और ये भी देखिए जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। मेरी दादी जी ने भी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं की हुई हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं है, अगर वो आज होती हमारे बीच में तो उनको इस यात्रा का ब्लॉग भी दिखाता, मेरी यात्राओं के सभी ब्लॉग्स उन्होंने देखे थे। और यहाँ जो दादी जी दिखी उनका जोश जो है वो मुझे बहुत
अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी यहाँ खच्चर की सवारी करते हुए आगे जाते हैं। 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, अगर इस उम्र में भी वो खच्चर पे बैठ के यात्रा करेंगे तो पैदल कब चलेंगे। इन यात्राओं का मज़ा जो है वो पैदल ही आता है, अनटिल अनलेस आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं हो, ऐसी कोई फिजिकल कंडीशन नहीं हो। और बताना चाहूँगा, मैं मेरी दादी जी को बोलता था, माँ और दादाजी को बोला करता था बाबा, तो मेरे माँ बाबा को आज मैं मिस कर रहा हूँ। जय हो यमुना मैया की, जय हो, जय हो। फिलहाल यात्रियों की संख्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस समय जो है मॉनसून का टाइम स्टार्ट होने वाला है और बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर कपाट खुलते हैं। और उस समय इस साल भी थी गजब की भीड़। जी हाँ, जिस रास्ते पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ना, चल के आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात थी, तो उस टाइम पे तो मैं व्लॉग बनाने की सोच भी नहीं सकता था। और वैसे भी मुझे दर्शन करने में तब आनंद आता है कि जब भीड़ कम हो, आराम से आगे बढ़े धीरे धीरे। असली मज़ा तभी है, असली आनंद तभी है। आप पहुँचे हैं हम इस द्वार तक, आप देख सकते हैं यमुना मैया विराज रही हैं ऊपर, कछुए के ऊपर। दोनों तरफ आप देख सकते हैं माँ यमुना के दोनों भाई, लेफ्ट हैंड साइड में है यमराज जी जिनकी सवारी है भैंसा, और इस तरफ आप देख सकते हैं राइट साइड में शनिदेव। तो यमुनोत्री अब है 4.5 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर हम चढ़ाई कर चुके हैं। और वाकई धरती का स्वर्ग है उत्तराखंड, देवभूमि में आके ऐसा ही आपको लगेगा। मेडिकल फैसिलिटीज और टॉयलेट्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब चढ़ाई करनी है ऊपर की तरफ। तो जो आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहाँ पे, उस रजिस्ट्रेशन को स्कैन किया जाता है, उसके बाद में आपको मिलता है ऐसे टोकन, इसी के थ्रू आप आगे जाके दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल यात्रियों की भीड़ उतनी नहीं है तो हम इजीली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भीड़ थी तब आपको दर्शन सिर्फ यही करवा सकता था। तो आप ये ध्यान रखें, हमेशा आपको टोकन लेके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज हो सकता है आपको बैरंग लिफाफे के जैसे लौटना पड़े, फिर से यहाँ आना पड़े और टोकन लेके जाना पड़े। अब तक थी आसान चढ़ाई, अब आई है थोड़ी खड़ी चढ़ाई। ये देखिए, वो रहा माँ यमुना का द्वार जिसको करके पार हम पहुंचे हैं यहाँ पर। आप पहुंचे हैं हम प्राचीन राम मंदिर तक। ये देखिए, यहां से दर्शन कीजिए प्रभु राम के, उत्तराखंडी गाने चल रहे हैं। वो दिख रहा प्राचीन राम मंदिर, और अब देखिए इस बोर्ड को, माँ यमुना का जो धाम है यमुनोत्री, उसकी दूरी है 3.5 किलोमीटर। थोड़ा सा समतल चलने के बाद में फिर से आ गई है अब चढ़ाई। ये देखिए, सूर्यदेव छिप चुके हैं बादलों के पीछे। सूर्यदेव से माँ यमुना का क्या रिश्ता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां दिखाई दे रहा है एक झरना, ये देखिए।
ये झरने की धारा भी बहती हुई यमुना जी में ही मिल रही है, ये देखिए। जा रहे हैं हम माँ यमुना के उद्गम स्थल की ओर। बीच बीच में जब चढ़ाई आती है तब थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है, मुंह से सांस नहीं लेनी है, ये रूल याद रखना पड़ता है। धीरे धीरे सांसें लेनी है, धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ना है, और उसके बाद जब ऐसा रास्ता आ जाता है तो उसमें मजे से आगे बढ़ते हैं। तो जब तक है तब तक आइए। वैसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जब भी आए हल्के जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है और दूसरी जगह के मुकाबले कम हो जाता है। बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट या छाता आपके पास में होना जरूरी है। ये देखिए मैंने भी अभी फिलहाल ये जैकेट पहन रखी है, उतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी बचाव के लिए आपके पास में होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास में होना चाहिए एक बैकपैक जिसके अंदर आप रख सकते हैं अपने एक्स्ट्रा सामान को, खाने पीने के लिए कुछ चॉकलेट बार्स आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं जो आपको भरपूर एनर्जी देंगे और आपका पेट जो है वो ज़्यादा भरेगा भी नहीं। और पानी के सिर्फ आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े ही लेने हैं, ज़्यादा पेट नहीं भरना है। तो ये छोटी सी बातें, इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आप माँ यमुना का नाम लीजिए जयकारे लगाते हुए, जय हो माँ यमुना की, और आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके से दो हिस्सों में आ रही हैं ये दो धाराएं, फिर एक हो जाती हैं, और यहाँ हमें दिख रहा है ये पुल जिसे हम करेंगे पार। तो आइए मेरे यार। आजा आजा आजा, बढ़ते चला गए। लीजिए आ गए इस पुल पर, अब जाना है उस तरफ, चढ़ाई जो है वो असली वाली अब स्टार्ट होगी। यमुनोत्री है जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। हर एज ग्रुप के यात्री आते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये देखिए पैर नहीं लगा है, बच्चों की जगह ये जनाब बैठे हैं। फिर से है खड़ी चढ़ाई, ये देखिए ऐसे ऊपर चढ़ते हुए जाना है। एक और झरने की धाराएं यमुना जी में मिल रही है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ भी है खड़ी चढ़ाई। ऐसे जाना है घूम के। ये देखिए सामने लगा है बोर्ड जो कह रहा है कि अब यमुनोत्री धाम है 2.5 किलोमीटर। मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते पर, 2.5 किलोमीटर बाकी है, 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है, तो बाकी के 2.5 किलोमीटर भी अब हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जाना है ऐसे, ये देखिए उस तरफ। अब दिखाता हूं आपको आगे का यात्रा मार्ग कैसा है। ये देखिए आप देख रहे हैं, अब जाना है वैसे और उससे भी आगे। यहाँ पे है यमुना मैया,
यहाँ बोर्ड कहता है यमुनोत्री की दूरी है अब 1.5 किलोमीटर। ये देखिए वहाँ से मैंने रास्ता दिखाया था आपको ये, और इतनी दूरी तय कर ली है अब। यहाँ नेटवर्क आ रहा है आप देख सकते हैं। आप पहुंचे हैं सिद्ध पीठ जो भैरव बाबा का मंदिर है वहां पर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे निशुल्क ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध है। अगर आपको महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे है भैरव बाबा, और वो रहा आगे का रास्ता, देख रहे हैं आप, जिग जैग करते हुए ऐसे ये चढ़ाई पार करनी है वहां। देखिए तो अब यमुनोत्री मंदिर बचा है मात्र 1 किलोमीटर। अब ये चढ़ाई भी हो जाएगी जल्दी ही, और उसके बाद में करेंगे माँ यमुना के फिर से दर्शन गंगा मैया के साथ। मोहित अभी पीछे आ रहा है इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो अब मंदिर की दूरी बची है मात्र 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। अच्छा लगता है कि जब दिखता है 500 मीटर की दूरी ही शेष है, पहुंच जाएंगे। ये जनाब ले रहे हैं यहाँ चैन की नींद। मोहित कहाँ रह गया, काफी नीचे है वो अभी। बस ये चढ़ाई जो है थोड़ी सी बची, उसके बाद में हमें उतर कर जाना होगा नीचे की तरफ। वहां पे दिख रहा है मोहित, पेड़ के पीछे है वहां। ये देखिए वो आ रहा। चलिए तब तक मैं चलता हूँ धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं अभी। लॉग शूट करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ता है। ये देखिए लगभग इस पहाड़ की चोटी के ऊपर तक आ गए हैं, बस फिर नीचे उतरना होगा। ये देखिए वहां देख रहे हैं आप झरना कहां से बहता हुआ आ रहा है वहां ऊंचाई से ऐसे गिरते हुए। अब ये समतल हिस्सा आ गया, देखिए अब शायद नीचे उतरना होगा। 8 साल का समय हो चुका है, 2016 में आया था तो उतना पूरा याद नहीं है, क्योंकि मैंने यात्राएं भी बहुत सारे स्थानों की है तो सबकी ओवरलैपिंग हो जाती है यादों की। देखिए सब रुक के प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं। ये जो झरना है यहाँ से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा है। देखिए वहां से बहता हुआ इस तरफ से आ रहा, और बिल्कुल जैसे दूध हो वैसे सफेद पानी है। ये देखिए देख रहे हैं, बादल छा गए हैं अब। और ये देखिए बस पहुंचने वाले हैं हम माँ यमुना के मंदिर, यमुनोत्री धाम। थोड़ा उतर के जाना होगा अब, चढ़ाई के बाद में अब ये उतराई। यहाँ पहुँचते ही मोहित की जान में जान आ जाएगी जैसे वो देखेगा कि अब उतरना है, चढ़ना नहीं है। और क्योंकि जो हमारी केदारनाथ जी तुंगनाथ जी की जो यात्रा हुई थी 2 साल पहले, उसके बाद में उसने कोई ट्रैकिंग की नहीं है, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। अच्छे से दर्शन कीजिए आप यमुनोत्री धाम के। वहां ऊपर से बहती हुई आ रही है माँ यमुना की धारा,
सप्तऋषि कुंड और जो ग्लेशियर है वहाँ से, और इस तरफ है ये झरने की धारा। शायद यही वह धारा है जिसे गंगा मैया की धारा कहा जाता है। तो ये दोनों आपस में मिलती नहीं है इस पर्वत की वजह से। फाइनली यमुनोत्री 0 किलोमीटर और मंदिर है वहाँ। खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मीठा खाना हो चाहे आपको समोसों का नमकीन का मज़ा लेना हो, और यहाँ फिर लेना हो आपको प्रसाद या फिर माता की फोटो तस्वीर, जल लेके जाने के लिए है यहाँ पात्र। चावल पूजा प्रसाद, चावल पूजा प्रसाद, जल भरने का डब्बो, आइए भैया जल भरने का, जल भरने का। ये देखिए आप, देख सकते हैं आप कितने प्रबल वेग से बह रही है माँ यमुना। महिलाएं जो हैं यहाँ पे स्नान करके अपने पुराने कपड़े जो हैं यहीं छोड़ जाती हैं। ये देखिए यहाँ, अब जाना होगा ऊपर, और इस तरफ से भी देखिए आप। उस तरफ है एक पुल जो आश्रम बने हुए हैं वहाँ पे लेके जाता है, एक आश्रम वहाँ पे है और एक थोड़ा ऊंचाई पर है भाई। जूते रखने के लिए देखिए ये है निर्धारित स्थल, यहाँ पे रखे जा सकते हैं जूते चप्पल। बिना किसी चिंता के आप कर सकते हैं दर्शन। ये देखिए सबसे पहले जाके करते हैं दर्शन, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इस धाम से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें जितनी मेरी नॉलेज के अंदर है। वैसे तो कहते ना कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तो जितना ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है थोड़ा पढ़ने से वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पहुँचकर? मजा आ रहा है, यहाँ पहुँचते थकान दूर हो गई। थकान वैसे हो रही थी ना? बहुत हो रही थी। 2 साल बाद में ट्रैकिंग की है, और चलने फिरने की थोड़ी सी आदत छूट गई थी केदारनाथ के बाद, ये पहला ट्रैक है, थोड़ी दिक्कत तो हुई लेकिन मजा आया। चलो तो फिर अब दर्शन करते हैं। चलिए भैया, ये है माँ यमुना का प्राचीन मंदिर, 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अक्षय तृतीया पर ऐसे श्रृंगार हुआ था मंदिर का, जब यहाँ पे कपाट खुले थे 6 महीने के ब्रेक के बाद में। वहाँ पे विराजित है माँ यमुना माँ गंगा के साथ में, साथ ही उनके जो चल विग्रह हैं जो कि शीतकालीन निवास है माता का खरसाली, यहाँ से वहाँ पे उनको ले जाया जाता है, वहाँ निवास करती है यमुना माता। और अंदर दर्शन कराना पॉसिबल है नहीं क्योंकि रोक लगी हुई है, तो आपको आके ही दर्शन करने होंगे। ये देखिए ऐसा है माँ यमुना का धाम, जय श्री यमुने नमः। हो चुके हैं माँ यमुना के दर्शन, अब मैं बताता हूँ आपको माँ यमुना आखिर हैं कौन और वो यहाँ इस यमुनोत्री धाम में आखिर कैसे पहुँची थी। तो माँ यमुना जो है वो है सूर्य देव की पुत्री, जो देवी संज्ञा है वो उनकी माता है, यानी कि भगवान सूर्य की जो पत्नी है संज्ञा देवी वो माता है माता यमुना की। माँ गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है भगवान विष्णु के चरणों से हुई थी, भगवान नारायण के चरणों से हुई थी। उसी तरीके से ये मान्यता है
कि माँ यमुना जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी भगवान विष्णु के आंसुओं से। जब देवासुर संग्राम के बाद में भगवान विष्णु कर रहे थे विश्राम, तो उनकी आंखों से गिर गए थे दो आंसू, यानी कि दो अश्रु की बूंदे, और वो गिर जाती है तपस्या करती हुई संध्या देवी की गोदी के अंदर, और वो उनको अपनी तपस्या का फल मानकर पी जाती हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि देवी संध्या, जब तुम्हारा विवाह सूर्य देव से हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें तीन संतानों की प्राप्ति होगी, दो पुत्र होंगे एक पुत्री होगी। तो एक पुत्र होगा पहले, और उसके अलावा दो जुड़वा बच्चे होंगे, एक पुत्र और एक पुत्री। तो उसी वरदान के अनुसार सूर्य देव से विवाह होने के बाद में संध्या देवी ने जन्म दिया था माता यमुना को और यमराज जी को। तो यम जी जो हैं वो उनके जुड़वा भाई हैं। ये जो पर्वत है जहाँ पर यह स्थान स्थित है, यह कहलाता है कालिंद पर्वत। इसी वजह से माता यमुना का जो एक नाम है वो कालिंदी भी है, और सूर्य देव का भी जो एक नाम है वो कालिंद है। तो इस वजह से माता यमुना जो कहलाती है कालिंदी, उनको सूर्य तनया भी कहा जाता है, और उनका एक और नाम है जमुना। जी हाँ, यमुना माता को जमुना भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताता हूँ। माता यमुना यहाँ इस स्थान पर आई थी एक मुनि की तपस्या के कारण। जी हाँ, जय मुनि जो थे उन्होंने इस स्थान पर की थी तपस्या, और उस तपस्या के फलस्वरूप माता यमुना यहाँ से थोड़ा और ऊंचाई पर स्थित जो एक सरोवर है, सप्तऋषि सरोवर जिसे कहा जाता है, और एक जो ग्लेशियर है वहाँ से वो बहती हुई यहाँ पर आई थी इस स्थान पर जहाँ पर जय मुनि ने तपस्या की थी। तो उनके नाम पर ही माता का नाम जो है वो जमुना भी पड़ा था। जय मुनि जो थे उन्होंने माता यमुना से वरदान मांगा था कि हे माता, आपका जो स्थान है जहाँ पर से आप यहाँ पर आ रही हो वो है दुर्गम, हर कोई वहाँ पे नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी एक अपनी गर्म धारा को प्रकट कीजिए ताकि हर परिस्थिति हर मौसम के हिसाब से लोग यहाँ पर यात्रा करके आ सके और यहाँ जल में स्नान करके अपने आप को पाप मुक्त कर सके। तो माता यमुना के जल में स्नान करने से पापों से मुक्त होते हैं ऐसी मान्यता है, और उसमें भी जो खास दिन है वो है रक्षाबंधन का दिन। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपको यमराज के द्वारा जो पीड़ा दी जाती है आगे उससे मुक्ति मिल जाती है। आप यमराज के पास में नहीं जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसका रीज़न, उसका कारण जो है वो भी ये है कि माता यमुना ने अपने भाई यमराज जी से यह वरदान मांगा था कि हे भ्राता, जो कोई व्यक्ति मेरे इस जल के अंदर स्नान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, आपके द्वारा उसे कोई पीड़ा की प्राप्ति न हो। तो यमराज जी ने ऐसा वरदान दिया था अपनी प्यारी बहना के कहने पर। इसीलिए इस स्थान पर और यहाँ के साथ साथ मथुरा जहाँ पे यमुना माता और यमराज जी के मंदिर हैं, वहाँ पर भी अगर आप वहाँ पे स्नान करते हैं, भाई बहन अगर स्नान करते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर मंदिर के अंदर जहाँ पे मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया था, वहाँ पर है माँ गंगा यमुना माता के साथ में। जी हाँ, माता यमुना का जो विग्रह है वह है नीलवर्णी, उनके पास में है श्वेतवर्णी माँ गंगा की मूर्ति। यहाँ पर एक जो झरने के रूप में धारा निकलती है, ऐसी मान्यता है कि वह गंगा जी की ही धारा है, और उसके पीछे की जो कथा है वो शॉर्ट में बताता हूँ। पुराने समय में यहाँ पर होता था असित मुनि का आश्रम, वो यहाँ यमुनोत्री से जाते थे गंगोत्री गंगा जी में स्नान करने के लिए, और जब हो जाती है उनकी वृद्धावस्था, उसमें हो जाते हैं वो असमर्थ, तब वो माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, और माँ गंगा अपनी एक सहायक धारा के रूप में या अपने एक जल धारा के रूप में यहाँ पर प्रकट होती हैं, और जो असित मुनि है वो स्नान उसमें कर पाते हैं। तो इस वजह से माँ गंगा भी यहाँ पे विराजती है। और खास बात यह है कि माँ गंगा की धारा और माँ यमुना की धाराएं जो हैं वो दोनों अलग है। ये जो कलिंग पर्वत है यह उनको दोनों धाराओं को अलग करता है। यहाँ पे एक शिला है जिसके पास बैठकर जय मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो उसे कहा जाता है दिव्य शिला। तो दिव्य शिला के भी दर्शन करते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो तप्त कुंड है उसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। और उसके बारे में मान्यता ये है कि माता यमुना ने सूर्य देव से कहा था कि आप मुझे अपना तेज प्रदान करें ताकि मेरी जो जल धारा है वह शीतल के स्थान पर गर्म हो जाए। तो इस तरीके से सूर्य देव का जो आशीर्वाद जो उनके पिताजी हैं वो माँ यमुना को मिला था, और यहाँ पे एक कुंड जो गर्म कुंड है वह सूर्य कुंड भी कहलाता है। ये है पिछला भाग माता के मंदिर का।
यहाँ पे माँ यमुना के पिताजी सूर्यदेव अपने सात अश्वों के रथ पे विराजमान है। जय हो सूर्यदेव की। गर्म धारा जो है वो निकल रही है सूर्यदेव के मंदिर के पास में ही। ये देखिए सूर्यदेव का जो मंदिर है, यहीं से यमुना जी के जल की धारा, गर्म धारा निकल रही है। ये जो आप देख रहे हैं यह है सूर्य कुंड, और यहाँ पे भक्त आते हैं, आलू और चावल की पोटलियों को इसमें रख के उबालते हैं। ये देखिए जल की धारा, देखिए। पिछली बार मैं जब आया था तब भी मैंने यहाँ पे चावल और आलू उबाले थे। ये देखिए सूर्य कुंड के दर्शन कीजिए आप, एकदम तप्त कुंड है। ये देखिए पिंक कलर के कपड़ा, सूर्य कुंड कहा जाता है इसे। ठहरेंगे ना आप, थोड़ा सुखा देना ताकि खराब ना हो। जब आप लोग घर पहुंच जाएंगे थोड़ा खेत में डालना है, सारे परिवार में बांटना है, फिर इष्ट को भोग लगा के जो बचा होगा उसको अन्न भंडार में रख देना, बरकत। ये मेन प्रसाद है, और कोई प्रसाद घर नहीं जाता है। बोले यमुना महारानी जय। माँ यमुना जी जो है सूर्य पुत्री है, यमराज और शनि की बहन है। जैसे हम अपनी कन्या को कुछ दान के रूप में देते हैं ना, सूर्य भगवान ने इसकी लड़का वरदान दिया जिसकी तब वही लखन। ये है सूर्य कुंड, देख सकते हैं आप। यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं यही स्थान दिव्य शिला कहलाता है। यहीं पर जयमुनि जी ने तपस्या की थी, और माता यमुना का जन्म स्थल या उद्गम स्थल भी यही माना जाता है, और जयमुनि जी के नाम पर ही माता यमुना कहलाई थी जमुना। अब चलते हैं उस कुंड की तरफ जहाँ पे किया जाता है स्नान गर्म जल में। ये देखिए आप, यहीं पर मैंने पहले किया था स्नान, देख सकते हैं आप कितना गर्म पानी है, ये धारा बहुत ही गर्म है। ये देखिए यह स्थान जो है पुरुषों के स्नान के लिए है, इस तरफ है महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे हम शूट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये स्थान है यमुनोत्री धाम के। ये देखिए श्री हनुमान आश्रम है यहाँ पर। जय हो प्रभु। ये देखिए बजरंग बली है, और भगवान राम का दरबार लगा है यहाँ। मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। टिहरी गढ़वाल के जो शासक थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में जब यहाँ पे भूकंप आया था या और जल प्रलय हुई थी कुछ, उस वजह से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था, तो मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार हुआ था। और जयपुर राजघराने की जो रानी गुलेरिया जी जो थी, उन्होंने 19वीं सदी के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाया था ऐसा माना जाता है। और आज का जो स्वरूप है वो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया है। तो जब भी आपको मौका मिले यहाँ यात्रा करने ज़रूर आइएगा। और इस स्थान का जो है चार धाम यात्रा के अंदर कैसे महत्व रहा था, इसको पहला धाम क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताता हूँ। तो जब महाभारत का युद्ध हो गया था उसके बाद में जब पांडव स्वर्गारोहिणी की तरफ से स्वर्ग जाने के लिए निकले थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, तो उस समय उन्होंने उत्तराखंड में सबसे पहले आके यमुनोत्री का ये जो धाम है यहाँ पे दर्शन किए थे। इसके बाद में वो गए थे गंगोत्री, उसके बाद में केदारनाथ, और उसके बाद में बद्रीनाथ जी, और वहाँ से सतोपंत और स्वर्गारोहिणी होते हुए वो स्वर्ग की तरफ आगे निकल गए थे, लेकिन पहुँचे थे महाराज युधिष्ठिर। तो पांडवों ने जिस तरीके से यात्रा की थी चार धामों की, उसी हिसाब से उसी क्रम के हिसाब से चार धाम यात्रा की जाती है। मैंने पहले जब चार धाम यात्रा की थी तब भी मैं पहले यहीं आया था, यहाँ के बाद में गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। तो यही क्रम आप भी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। एक साल में नहीं कर सकते हैं, तो जैसे आपको वक्त मिलता है उस तरीके से इन चारों धामों का विजिट कीजिए। बात करते हैं यहाँ पे आपको कब आना चाहिए। देखिए बारिश के जो महीने होते हैं जो शुरू होने वाले हैं उसके अंदर यहाँ पहाड़ों में काफ़ी खतरा होता है, तो वो अवॉइड कीजिएगा। और बाकी यात्रा शुरू होती है तब काफ़ी भीड़ होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम रहता है वह सितंबर से अक्टूबर का रहता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यात्रा करते टाइम पे कम से कम आपके पास में वजन होना चाहिए, आप जिस जगह रुके हैं वहाँ छोड़ के आइए, एक छोटा बैकपैक होना चाहिए, ज़रूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, और साथ में होने चाहिए कम्फर्टेबल शूज़। नए जूते पहन के आने की गलती ना करें, उनको कम से कम 10-15 दिन पहले पहन लें ताकि अच्छा रहे। गर्म कपड़े ज़रूर लाने हैं, और अकेले यात्रा से बचें, क्योंकि अगर कोई बीमारी हो तो कोई आपको संभालने के लिए होना चाहिए। बाकी
आप जब मन करे तब आइए, आपकी सुविधा के हिसाब से। मेरा काम था सजेशन देना। इस तरीके से मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं माता यमुना के धाम यमुनोत्री के। आशा करता हूँ यहाँ दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको इस ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, साथ ही कॉमेंट करके पहुँचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन लें ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो माँ यमुना की।